सलाम वालेकुम। वालेकुम चाचा जान, हम सरकार की तरफ से। अब सरकार को हमसे काम पड़ता तो कहती हम साथ साथ है, नहीं तो कहती हम आपके कौन। जब हम काम धंधे छोड़कर तुम साहब लोगों के पास आते तो तुम हमको जानवर समझते। राशन कार्ड बनाने के वास्ते ऑफिस के चक्कर मार मार के थक गए। आज तक मेरा कार्ड नहीं बना, सरकारी काम 12 महीने था। मेरी शादी हुई जब से कार्ड बनाने का कह रहा साहब को, आज मैं 5 बच्चों का बाप बन गया, 5 बच्चों का। आज तक मेरा कार्ड नहीं बना। ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, फलाना कागज लाओ, ढमका कागज लाओ, है नहीं तो कहाँ से लाना। यहाँ की इतनी तो कहा के क्या, अमरीका से आया क्या, जापान से आया, मैं यहाँ का, मेरा बाप यहाँ का, मेरा दादा यहाँ का। कोई भी ज्यादा उम्र वाले से पूछो, हिंदू से पूछो, मुसलमान से पूछो, सिंधी से पूछो, कोई भी यही कहेगा हम यहाँ कीजिए। अरे जिसको देखो हमारे जैसे गरीबों को सता था, राशन लाने जाओ तो हकाल देते, बोलते कार्ड लाओ, है नहीं तो कहाँ से लाना। राशन वाले दूसरों को थैले भर भर के देते और हमको 2 किलो नहीं देते, कुछ भी चल रहा ना। गरीब ने जरा कुछ करा क्या, डालो साले को अंदर, और पैसे वाले को साथ खुन मा। चाचा जान तुम थोड़ा सबर से काम लो। अरे सबर करो, कितना सबर करो, अरे हद होती सबर की भी, जवानी से लेके बुढ़ापा। 2 दिन के बाद कब्रिस्तान में जाने वाला, क्या कब्र में डालने के वास्ते मेरे को कार्ड मिलेगा। चाचा जान क्या नाम है आपका। बुढ़न, पूरा नाम बोलो। शेख बुढ़न शेख सांडू। मरा है आपकी, होंगी कोई 50-55, पक्का नहीं मालूम। पक्का नहीं मालूम, अरे मैं क्या पढ़ा लिखा हूँ, पक्का मालूम रहेगा तो पढ़ू, जब तो ये दिन देखने पड़ रहे। पढ़ा लिखा रहता तो साहब लोगों की ऐसी तैसी कर देता। इसीलिए तो हमारी सरकार चाहती है कि सब बच्चे पढ़े लिखे स्कूल जाए, ताकि कोई इन पर इस तरह जुल्म ना करे। क्या मेरा फोटो जा रहे जुपे है, मेरा फोटो है। क्या लगा रहे शैतान के बच्चों की जिबित। अब्बा मैंने लाया था ना कल सलमान खान का फोटो। दोनों क्या नाम है बेटा आपका। स्कूल में जाते बेटा। हाँ जाते। कौन सी क्लास में आप। पांचवी क्लास में पढ़ते या छठी क्लास में पढ़ते या सातवीं क्लास में पढ़ते आप। हम पढ़ने को नहीं जाते। फिर जब मात का बन रहता ना तो हम क्रिकेट खेलने जाते स्कूल में। चाचा जान इन दोनों में से आपका सबसे बड़ा लड़का कौन सा। ये तो तीसरे और चौथे नंबर के है, इससे बड़ी बेटी है, उससे बड़ा बेटा है नाजिम, अभी बुलाता उसको। नाजिम तेरे नाम हमने किया जीवन अपना। क्या करना यार, ये आजकल के अडवाल का कानों में वायर घुसेड़ के रखते, बस क्या फतरे सुने आएंगे इनको। क्यों तुम केबल वाले हो, क्या क्या बोगस पिक्चर लगाया बाबर आपको, पूरा मूड खराब कर दिए। आज तेरे नाम पिक्चर बताओ नहीं तो वारिस काट डालता। पैसे दे रहे हैं हम कोई फुकट नहीं देख रहे। हाँ पहले जाते थे स्कूल रात में, वो अपना नट्टा यूसुफ है ना, उसका फोरे साबे आया, उसका मेरा एक का बादशाह खेलते होकर झगड़ा हुआ था। तेरे को कितने बार बोला वो बिगड़े हो के साथ मत रहे, वो खानदानी बिगड़े हुए। अरे पहली बात है बाबा, वो भिगोना बन का वो अजरबू का लड़का आएगा अजमत, 200 रुपए दे देना उसको बीसी के। मेरे घर में 200 रुपए थे तो तेरी माँ को दिया, उसने 1 किलो मुर्गी का गोश्त ला ली, 40 रुपए बचे। वो छोटा पोड़ा बीमार पड़ा, उसको दवा खाने में ले जाने का। ओ तुम कुछ भी करो, 100 रुपए उसको दो, 200 रुपए जाकिर को मेरे को देने का, मेरे बीसी के सारे बीसी के पैसे के मैं भर। अरे तो मेरे कहने पैसे थे, मामू मामानी हज को जा रहे हैं, उनकी मिजबानी कराना, उनको खाना खिलाया, फूल हार करा, क्या फुकट में आया सब ये। काय को कर रहे फरज है क्या ये, आज ही जाएगी नहीं पूछता मामू। अरे तेरे को कुछ नहीं समझता रे। बराबर है बाबा, तुम कुछ समझता, हमको तुमको समझता ही नहीं। उस दिन में तुमने मेरे ससुर सामने ऐसी चीज की। अबे वो उल्लू के पट्टे जबान को लगाम दे जरा। हाँ बाबा हाँ, ज्यादा चेक लो मत, शैतान है कह रहे तू, वो अल्लाह मियाँ की मिजबान बन के जा रहे, जरा किसी की इज्जत करना सीख। गया कभी नमाज को, जुम्मे को भी तो नमाज को ही जाता नहीं रे तू, बार काम पे जाने को होना और रात को एक का बादशाह खेलने को होना। बेचारे अल्लाह मियाँ के मेजबान बन के हज को जा रहे और तेको बात सुझ रहे। क्यों बाबा वो मेजबान आते कहा गए। अगर आप लोगों की बातें मुकम्मल हो गई तो मैं कुछ अर्ज करूं। कुछ अर्ज मत करो,
हमको हमारा काम करने दो चैन से। और क्यों जाओ ना चैन से, एक्सप्रेस टाइम होगा ना तुम्हारा। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं, ये सरकारी काम है। ओ भाई जाओ तो, भेजा मत खाओ मेरा, मुझे भी जाना है सलाब को। सुबह सुबह आ जाते उठ उठ के तो नहीं सुधरे। तुम सुधर गए ना, बस ये जो घूम रहे पढ़े लिखे इनको लगा पड़ा नौकरी पे। चल मुझे जुबे जैसे हमारे फौड़े टाइम हो रहा है सलाब को। रुको इधर आओ। इस तरह से मासूम बच्चों पर जुल्म करने से आप सरपरस्तों को जेल हो सकती है। अगर आपके बच्चों को मुफ्त में किताबें, तालीम, यूनिफॉर्म दे रही है तो फिर आपको क्या चाहिए? खेलने पढ़ने की उम्र में बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, जिसकी वजह से उनको उनकी हकूक हासिल करने में परेशानियों का सामना होता है। अब ये बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं तो फिर बाद में आप ही लोगों को तकलीफ होती है। चाचा आज का जमाना उनसे काम लेने का नहीं, कलम और कागज से लेने का है। तालीम की अहमियत को समझो, वरना तुम्हारी दास्तान तक भी ना होंगी दास्तानों में। तुम सही कह रहे साहब, हमने स्कूल का मुंह नहीं देखा, तालीम हासिल नहीं करी, तभी तो ये दिन देखने पड़ रहे। मेरे माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश थी साहब कि मैं पढ़ लिख कर मेरे माँ बाप का नाम कमाऊं, लेकिन अफसोस आज अनपढ़ रह गया मैं। मेरी ख्वाहिश को पूरी कर रहा हूँ, अब तुम पढ़ लिख कर नाम कमाओगे। बेटा आप लोग पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना है पर पढ़ के नहीं आता। हम सिखाएंगे बेटा आपको पढ़ना। नहीं कहा साहब तुमने, आज से मेरे भाई के हाथ में घमेले फाड़े नहीं ये किताबें होंगी। आज से हम काम पे नहीं जाएंगे। हाँ हाँ अब्बा भाई सही बोल रहे हैं, आज से हम पढ़ेंगे। शाबाश बेटा शाबाश, पढ़ेगा इंडिया।